हेलो गाइस, मेरा नाम दीपाली पनिकर है और वेलकम बैक मेरे इस नए वीडियो में। और आज मैं आपको इसमें लाइन के बारे में बताऊंगी कि लाइन का यूज़ कैसे कैसे होता है, कितने टाइप की लाइन होती है। अगर लाइन हमें खींचना है तो उसके लिए कुछ मेथड्स भी होती है, जैसे फर्स्ट मेथड बाय यूजिंग अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकेंड वन इज़ बाय यूजिंग एब्सोल्यूट एंड रिलेटेड कोऑर्डिनेट बाय यूजिंग अ पोलर कोऑर्डिनेट, ये हमारी थर्ड मेथड होगी। और उसके लिए कुछ शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ होती है, जैसे एल एंटर और एल स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम लोग ड्रॉ बार से भी हम लोग लाइन ले सकते हैं। बट इसके पहले आपको एक चीज़ करनी होगी, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, मेरी वीडियो को लाइक करना होगा एंड शेयर करना होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसमें आपको कमेंट भी कर सकते हो आप। ओके, लेट्स वी स्टार्ट आर टॉपिक, दैट इज वॉट आर द यूज ऑफ लाइन एंड वॉट आर द डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ लाइन। फर्स्ट, बाय यूजिंग अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम लोग इसका यूज़ कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमने ले ली एल एंटर, ये हमारी लाइन की कमांड हो गई। ओके, अगर हमें इसको 0 0 कोऑर्डिनेट पे सेट करना है तो 0 0 एंटर। ओके, ये हमारी सेट हो गई। अगर इसी को अगर हमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस में बराबर लाना है तो उसके लिए F8 या फिर यहाँ से ऑर्थो मोड ऑन कर सकते हैं हम लोग। ओके, ये हमारी इंक्लाइन में हो गई। बट अगर हमें इसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल पोजीशन में लाना है तो इसके लिए उसको ही ऑन कर देना पड़ता है के ऑर्थो मोड को। सो यहाँ पे हमारा 0 0 कोऑर्डिनेट हो गया। इसके बाद अगर हमें इसके सामने जाना है तो उसके लिए x के वैल्यू अगर हमें डालना है तो x के ही डायरेक्शन में हमें लेंथ चाहिए, y के डायरेक्शन में नहीं चाहिए, तो 3000 0 एंटर, ये हमारी हो गई। ओके, यहाँ पे हमारा 3000 आ गया, यहाँ पे 0 y एक्सिस पे कुछ भी नहीं था। देन उसके बाद अगर हमें y एक्सिस में चाहिए तो उसके लिए 3000 2000। ओके, यहाँ पे हमारा 3000 कम्प्लीट हुआ, देन यहाँ पे 2000। ओके, उसके बाद अगर हमें इधर लाइन चाहिए तो 0 एंटर 3000 एंटर। ओके, इसको हम लोग कम्प्लीट कर देंगे, यहाँ पे हमारा 0 0 कम्प्लीट हो जाएगा। ओके, ये हमारा एक ड्राइंग बन गया। जिस ना अगर हमें इसके ही इधर साइड में चाहिए लाइन तो हम लोगों को माइनस टाइप करना होगा, अगर इसके इधर चाहिए तो माइनस, इसके उधर चाहिए तो प्लस, और इसी के राइट हैंड में चाहिए तो फिर प्लस ही वैल्यू डालनी होगी हमें। ओके, अगर हमें इसको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए दो विंडोज़ आती है। जैसे अगर हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो हमारी एक ग्रीन विंडो हो गई, जिससे हम लोग पूरे ड्राइंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें ड्राइंग के कुछ पोर्शन को ही सेलेक्ट करना है तो उसके लिए ब्लू विंडो। ओके, ये ड्राइंग कैसे पूरा क्लोज पैटर्न में है इसलिए वो वैसे सेलेक्ट नहीं हो रही है। ओके, देन उसके बाद अगर इसी को अगर यही ड्राइंग हमारी पूरी शो नहीं होती है, जैसे यहाँ से हम लोगों ने लाइन ले ली, ये जो लाइन हो गई वो पूरी शो नहीं हो रही है, तो उसके लिए एस्केप एंटर करना, देन जेड एंटर और ए एंटर करना। ओके, देन अगर ये हमारी हो गई फर्स्ट मेथड। उसके बाद अगर हमें सेकंड मेथड के बारे में जाना है तो बाय यूजिंग रिलेटेड कोऑर्डिनेट, रिलेटिव कोऑर्डिनेट और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के बारे में, तो उसी को हम लोग रेक्टेंगुलर सिस्टम भी बोलते हैं। वो जनरली हम लोग मैकेनिकल के लिए जो यूज़ होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं, मैकेनिकल वाले। ओके, तो उसी के लिए भी वैसे ही यूज़ होता है, जैसे एल एंटर, पहले कोऑर्डिनेट सेट कर देंगे 0 0। ओके, बट इसमें एक एडिशनल चीज़ होती है, जैसे एट द रेट ऐड हो जाता है इसमें। अगर हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लेना है तो एस्केप कर देती हूँ मैं, इसमें एट द रेट ऐड होता है, जैसे एल एंटर, अगर हमें 0 0 पे सेट करना है तो शिफ्ट एट द रेट 0 0। ओके, ये हमारी लाइन सेट होगी। आफ्टर दैट अगर हमें इसका एग्जांपल देखना है तो जैसे एट द रेट
4000, x है 4000 एंड y पे 0, एंटर। ओके, इसके बाद अगर हमें ऊपर लाइन चाहिए तो उसके लिए एट द रेट 0 कॉमा, ऊपर में अगर हमें 5000 चाहिए तो y डायरेक्शन में 0 कॉमा 5000, छोटा ले लेते हैं स्क्रीन की वजह से 2000 ले लेते हैं। ओके, ये हमारी होगी 2000 वाली लाइन। अगर हमें यहाँ से ही यही से अगर लाइन चाहिए इसी इससे ये वाले ओरिजिन से चाहिए तो हमें 0 0 0 का कोऑर्डिनेट यूज़ करना होगा। ओके, बट हम लोग लाइन यहाँ से लिए तो हमें 0 एट द रेट 0 5000, 0 मीन्स एक्स के इसमें 0 देन ऊपर में 5000 या फिर 2000 जो भी लेना है हमें वो। ओके, अगर यही से हमको लाइन चाहिए इधर में तो उसके लिए हमें माइनस में जाना होगा। ओके, एट द रेट माइनस 4000 कॉमा 0, ये हमारी होगी लाइन। ओके, अगर हमें इसी की डायरेक्शन में नीचे आना है तो उसके लिए एट द रेट 0 कॉमा माइनस 5000, एस्केप, जेड एंटर, ए एंटर, सॉरी वन मिनट। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने लाइन ले ली, 0 0 कोऑर्डिनेट सेट कर दिया। ओके, एल एंटर एट द रेट 0 कॉमा 0। ओके, यहाँ से हमें लाइन चाहिए तो उसके लिए एट द रेट 0 कॉमा सॉरी एक्स डायरेक्शन में लाइन चाहिए तो हमें 4000 कॉमा 0, एंटर। यहाँ पे हमारी लाइन हो गई। देन उसके बाद हमें यहाँ से लाइन चाहिए, इसी पॉइंट से लाइन चाहिए तो उसके लिए एट द रेट 0 कॉमा 2000, ये हमारी सेकंड लाइन हो गई। देन उसके बाद हमें यहाँ से इधर जाना है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाना है तो उसके लिए माइनस में टाइप करना होगा, हमें एट द रेट माइनस 4000 उसी के अपोजिट वाला देन कॉमा 0, एंटर। ये हो गया, देन यहाँ पे क्लोज हो गया। ये हमारी हो गई सेकंड लाइन, जिसका रिलेटिव कोऑर्डिनेट का यूज़ करके होता है ना ऐसा एट द रेट में। ओके, आफ्टर दैट इसमें हमें थर्ड मेथड देखना है, तो पोलर सिस्टम के लिए, पोलर सिस्टम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंगल का यूज़ करना है तो हमें इसमें एट द रेट नहीं आएगा, जैसे रेक्टेंगुलर सिस्टम में एट द रेट था वैसे इसमें एट द रेट नहीं आएगा, इसमें लेस दैन की साइन आती है, जैसे एल एंटर। ओके, आफ्टर दैट हमें लाइन चाहिए 5000 लेस देन 45 पे लाइन चाहिए, तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट सेट कर देती हूँ 0 कॉमा 0। ओके, देन 5000 एट द रेट सॉरी लेस देन 45 एंगल, ये हमारा हो गया एंगल के लिए। ओके, अगर इसी के रिस्पेक्ट में आपको आपको ये तो पता ही होगा कि यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 90 का एंगल होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यहाँ पे 0 0 पे, यहाँ पे 360 और 0 0 पे, और यहाँ पे 270 पे होता है एंगल। ओके, अगर हमें 180 के रिस्पेक्टिव में जाना है तो हम लोगों को 2000 लेस देन 180, ये हमारा एंगल हो गया द रेट। ओके, ये हमारा हो गया 180 के रिस्पेक्टिवली।
थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.